स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में कुछ समय पहले ही इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री सुमित सिंह की एंट्री हुई है, जो कि सीरियल में रीवा के रोल को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर पेश कर रही हैं, जहां सीरियल में इनकी एक्टिंग, अदाकारी और इनके किरदार की दर्शक खूब तारीफ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभिनेत्री सुमित सिंह रीवा के किरदार के लिए मेकर्स की पहली पसंद थी ही नहीं, बल्कि इनसे पहले इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियों को रीवा के रोल के लिए कास्ट किया गया, पर वो अभिनेत्रियां किसी न किसी वजह से रिजेक्ट हो गई। पर क्या आपको मालूम है कि आखिरकार वो कौन सी अभिनेत्रियां हैं जो कि रीवा के किरदार के लिए रिजेक्ट हो चुकी हैं? चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर वन, वृषिका मेहता। ये तेरी गलियां और सतरंगी ससुराल जैसे कई हिट सीरियल देने वाली अभिनेत्री वृषिका मेहता को भी सुमित सिंह से पहले रीवा के किरदार के लिए कास्ट किया गया, पर मेकर्स ने जब वृषिका मेहता को सीरियल की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी तो इन्होंने सीरियल की स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करने के लिए कहा, पर मेकर्स ने सीरियल की स्क्रिप्ट में चेंजेस करने से मना कर दिया और इन्हें डायरेक्ट सीरियल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नंबर टू, मल्लिका सिंह। राधा कृष्ण जैसे सीरियल में राधा के किरदार को निभाकर मशहूर हो चुकी अभिनेत्री मल्लिका सिंह को भी सुमित सिंह से पहले सीरियल में रीवा के किरदार के लिए कास्ट किया गया था, पर इन्होंने अपने पर्सनल रीजन की वजह से सीरियल में काम करने के लिए मेकर्स के सामने काफी नखरे दिखाने लगी, जिसके चलते मेकर्स ने इन्हें डायरेक्ट सीरियल से रिजेक्ट कर दिया। नंबर थ्री, देवात्मा साह। टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत और क्यूट एक्ट्रेस देवात्मा साह को भी सुमित सिंह से पहले रीवा के किरदार के लिए अप्रोच किया गया। जब इन्होंने सीरियल में रीवा के किरदार के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया तो ये रीवा के किरदार को पर्दे पर अच्छे से पेश नहीं कर पाई, इसी वजह से मेकर्स ने इन्हें रीवा के किरदार से रिजेक्ट कर दिया। नंबर फोर, हिना खान। टीवी की बॉल्ड एक्ट्रेस हिना खान को भी सीरियल में रीवा के किरदार के लिए सुमित सिंह से पहले कास्ट किया गया था, पर इन्होंने सीरियल में रीवा के किरदार को निभाने के लिए काफी हाई फीस की डिमांड की, पर मेकर्स ने इनकी डिमांड को पूरा करने से इनकार कर दिया और इन्हें डायरेक्ट रीवा के रोल से रिजेक्ट कर दिया। वेल दोस्तों, आपके हिसाब से इन अभिनेत्रियों में से रीवा के किरदार के लिए कौन सी अभिनेत्री बेस्ट होती, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।